अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, होप यू आर ऑल फाइन. दिस इज़ योर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7 एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड इन द पार्ट 1 ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा. Now for today we are going to do two disorders, that is actually the first one is a pneumonia and the second one is the asthma. So let's start. So what is pneumonia? Pneumonia is actually called as a lung infection. ठीक है, simply pneumonia is called as lung infection. Lungs में जो infection हो जाता है that is called pneumonia. अगर वो एक लंग में है तो दैट इज़ कॉल्ड नमोनिया, और अगर वो दोनों लंग्स में है तो दैट इज़ कॉल्ड डबल नमोनिया. फाइन, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स कॉज. सो नमोनिया का कॉज क्या है हमारे पास? नमोनिया का जो है वो दो कॉज हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ बैक्टीरियल कॉज एंड सेकेंड वन इज़ अ वायरल कॉज. बैक्टीरियल कॉज जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है एंड दैट बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाए, और अगर कुछ वायरस की वजह से हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस एंड सम हाउ इट इज़ कॉल्ड द फंगल इन्फेक्शन. तो तीन मेजर कॉजेज़ हो गए नमोनिया के. द फर्स्ट वन इज़ अ बैक्टीरियल कॉज, और कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है, वायरस की वजह से हो रहा है, और वायरस में कौन इन्वॉल्व है? दैट इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस. एंड द थर्ड वन इज़ अ फंगल कॉज, जिसमें कोई भी फंगस की देयर आर अबाउट मोर देन 2000 स्पीशीज़ हमारे पास फंगस के आइडेंटिफाइड है, और उन स्पीशीज़ में से कोई भी फंगस इन्वॉल्व हो सकती है इन द कॉज ऑफ द निमोनिया. सो नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पैराग्राफ, दैट इज़ एक्चुअली द सिम्टम्स. अब निमोनिया की सिम्टम्स क्या होती हैं? फर्स्टली इट हैव ऑलमोस्ट द सेम सिम्टम्स दैट वी आर फेसिंग टूडे ड्यू टू द कोरोना वायरस. ठीक है, सो निमोनिया और कोरोना वायरस की जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बिकॉज दोनों के केसेस में लंग इन्फेक्शन ही होता है, और दोनों के केसेस में लंग्स में स्प्यूटम ही बनता है, पस ही बनता है. सो द फर्स्ट वन, जैसे ही कॉजिटिव एजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म है, इवन वो बैक्टीरिया है या वो वायरस है, जब ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा तो वहाँ से कहाँ पे एंटर हो रहा है? फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक इट विल एंटर इनटू द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में जैसे ही जाएगा इट विल सेटल डाउन देयर. ठीक है, वहाँ पे रिटेन रहेगा, और रिटेन करने के बाद इट विल ग्रो इन साइज. जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैक्टीरिया है तो आफ्टर 20 मिनट्स एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाता है, और इफ़ इट इज़ अ वायरस तो आफ्टर 20 मिनट्स एक वायरस जो है वो अराउंड अबाउट 200 मोर वायरसेस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा हमारे पास, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं दे आर वेरी फ्रेजाइल, दे आर वेरी वीक, सिंगल एपिथीलियम की बनी हुई हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? दे विल बस्ट आउट, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी. जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी तो व्हाट विल हैपन, आर लंग्स विल फिल्ड विद द पस. ठीक है, अब पस कहाँ से बनता है और कहाँ से आया, इस चीज़ को माइंड में रखने के लिए याद, इन द 9th क्लास वी डिड, देर आर टू टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स. ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स में तीन कैटेगरीज आ जाती थी, दैट वॉज एसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स. और आपके पास ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ठीक है, लिम्फोसाइट्स इज एक्चुअली द थिंग दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी. ह्यूमन बॉडी का जो डिफेंस है वो कौन बना रहा है? हमारे पास लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं. जैसे ही कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया लंग के अंदर एंटर होगा, जैसे कि लंग्स में एंटर हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? फौरन से द मैसेज विल गो टू दैट लिम्फोसाइट्स, और वो क्या करेंगे? फौरन से कहाँ पे आ जाएंगे? इनटू द लंग्स. जैसे ही वो लंग्स में आ जाएंगे दे विल फाइट विद द वायरस और द बैक्टीरिया, और अल्टीमेटली वहाँ पे उनकी डेथ हो जाएगी लिम्फोसाइट्स की, एंड दे विल कॉज पस, और वहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? पस. और उस रिजल्ट में हमारे पास द मास ऑफ द लंग इज़ गोइंग टू लॉस. ठीक है, बिकॉज जो एल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन एक दफ़ा हो गई वो दोबारा से रिकवर नहीं हो सकती. रिमेंबर दैट. देन व्हाट इज़ एक्चुअली द सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या होंगी हमारे पास? कोल्ड,
दैट इज़ फॉलोड बाय द हाई फीवर, ठीक है, सर्दी लगेगी और उसके बाद में हाई फीवर होगा, शिवरिंग है एंड द कफ विद द स्प्यूटम प्रोडक्शन. स्प्यूटम का मतलब है पस, यानी खांसी होगी और खांसी के अंदर आपको पस आएगा, जिसे आप आम जुबान में बलगम भी कह रहे होते हो. सो द पेशेंट क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होगा. एंड द पेशेंट स्किन बिकम चेंज इट्स कलर, और उसका कलर जो है वो यूजली पर्पलिश हो जाएगा. पर्पलिश मीन्स पर्पल होने कलर इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्लाइन हो रहा है. जब हमारे पास एल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में एंट्रैप है वो एंट्रैप ही रहेगी, वो बाहर नहीं जा रही, वो बाहर नहीं जा रही है. तो अल्टीमेटली बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो बॉडी का कलर जो होगा दैट विल बिकम पर्पलिश एंड ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो वैक्सीन्स आर अवेलेबल देयर फॉर द नमोनिया. फॉर एग्जाम्पल देयर एंटीबायोटिक्स फॉर द स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया बैक्टीरिया, बट देयर इज़ नो एज सच मेडिकेशन अवेलेबल इफ नमोनिया इज अकरिंग टू द इन्फ्लुएंजा वायरस. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड डिजीज. Okay, you can see here, this is a normal alveoli and these are the alveoli, they are destructed and they are filled with the pus. ठीक है, so coronavirus के case में भी same as it is, यही चीज़ हो रही है. But because the virus differ कर रहा है, virus का variant different है, strain different है, so हमारे पास till now pneumonia के, जब हमारे पास medicine available नहीं है for the virus, bacteria के लिए तो antibiotics हैं but virus के लिए नहीं है, तो similar like that अभी तक कोरोना के लिए भी, कोरोना COVID-19 के लिए भी अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एस्थमा. एस्थमा इज़ एक्चुअली इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, और इसमें भी सेम वही होगा, दैट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, जैसे हमने ब्रोंकाइटिस में पढ़ा था. ठीक है, और वहाँ पर भी क्या हो रही है, हमारे पास म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन हो रही है. अब एस्थमा के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, हमारे पास मोस्टली डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल there are the certain patients that are sensitive to the different things. For example, first case mein bhi baat ki thi, some persons are allergic to the smoke and some are allergic to the dust and somehow and some even to some smells, pollen. ठीक है, सो इन सारी चीज़ में हमारे पास इफ़ द पर्सन इज़ सेंसिटिव टू दैट, तो वो लंग्स जैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो चीज़ एंटर होगी, द लंग्स विल कॉज इट्स रिएक्शन. तो म्यूकस क्या होगा, म्यूकस क्या करेगा, उस चीज़ को प्रोपेल करने की कोशिश करेगा, बॉडी में से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इफ़ इट्स अ डस्ट और सम स्मेल और स्मोक. सो उस केस में क्या हो रहा है, ओवर म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है. जैसे ही म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, दैट विल द कॉज इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन कॉज होगी, और इन्फ्लेमेशन दैट इज़ एक्चुअली सूजन. इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में पर्सन को क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, वीजिंग यानी विस्लिंग साउंड हो सकती है, एंड द कफ एंड द चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, यानी सांस जो है वो पर्सन जो है वो ईजिली नहीं लेगा, बल्कि ज़्यादा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा. सो एस्थमा के लिए हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल जस्ट टू डेलीकेट, ठीक है, और यू कैन से दैट dilate the bronchi and the bronchioles. वो bronchi और bronchioles जो कि constrict हो चुके हुए हैं, ठीक है, और वो close हो चुके हुए हैं, बहुत narrow हो गए हुए हैं, so that कि वो dust particle या जिस चीज़ से वो irritate कर रहे हैं उस चीज़ को enter ना होने दें. ठीक है, so जितने भी हम sprays वगैरह use करते हैं, हम inhalers use कर रहे हैं इस केस में, तो वो क्या करते हैं, वो just जाके उन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं. सो दैट्स फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास एंड हेडिंग्स आर अवेलेबल हियर. यू कैन राइट डाउन द हेडिंग्स एंड यू हैव टू राइट दीज लॉन्ग क्वेश्चंस विद प्रॉपर हेडिंग्स एंड डू इट्स प्रैक्टिस. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.